dear students welcome to second standard maths learning today we shall learn lesson number 13 the longest steps let's begin lesson number 13 the longest step three friends a rabbit an elephant and a deer वे आर प्लेइंग टूगेदर इन अ पार्क एक पार्क था उस पार्क में रेबिट एलिफेंट और डियर वो तीनों फ्रेंड मिलकर खेल रहे थे उसमें डियर ने बोला कि लेट सी वो क्रॉसिस स्टोन ब्रिज फर्स्ट चलो अभी हम देखते हैं कि ये स्टोन ब्रिज है उसको पहले कौन क्रॉस करता है तो एलिफेंट ने बोला बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई एम स्लोली कि हम देखते हैं कि आप लोग है वो तो जल्दी से चलोगे रन फास्ट करोगे बट मैं तो बड़ा हूं इसलिए मैं मुँह धीरे धीरे कर पाता हूँ आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट मुझे पता है कि आप सभी मेरे से पहले चले जाओगे ब्रिज को पहले क्रॉस कर डालोगे आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द गेम मुझे गेम नहीं खेलना है उसके बाद डोंट वरी लेट्स मेक अ रूल वी विल नॉट रन वी विल वॉक ऐसे रेबिट बोल रहा है कि हम में तुम चिंता मत करो हम एक रूल बनाते हैं वी विल नॉट रन हम उसको रन करेंगे उसमें नहीं हम दौड़ेंगे नहीं पर क्या करेंगे हम चल के जाएंगे तो रेबिट ने बोला यस इट विल बी फन दे स्टार्टेड द गेम चलो तो अभी हम ये गेम चालू करते हैं खेलना तो सरप्राइजिंग एट द एंड द एलिफेंट विनर क्या हुआ कि ऐसे सरप्राइज शोक लगा कि एलिफेंट जीत गया बट एलिफेंट कैसे जीत गया है गेम में कैन यू टेल वाई द elephant विन आपको पता है कि एलिफेंट कैसे जीत जाता है इसमें यस बिकॉज एलिफेंट टेक्स द लॉन्गेस्ट स्टेप यस क्योंकि एलिफेंट्स के जो पैर होते हैं वो बड़े होते हैं और खुद भी बड़ा है तो उसके जो पैर के स्टेप रखेगा वो थोड़ा उसमें अंतर होगा वो ज्यादा रखेगा इसलिए वो एलिफेंट है वो जीत जाएगा वो टेक्स द बिगेस्ट स्टेप तो सबसे बिगेस्ट स्टेप किसका होगा एलिफेंट का तो क्योंकि एलिफेंट है वो बड़ा है इसलिए एलिफेंट है उसके पैर भी ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा इसलिए वो बिगेस्ट स्टेप लेगा तो किसका बिगेस्ट स्टेप होगा एलिफेंट का एक्ट आउट स्टोरी ये स्टोरी का आपको एक्ट भी कर सकते हो इसके बाद नीचे आपको एक्टिविटी दी है यहाँ पर एक यहाँ पर ऐसे दो चिल्ड्रन है उस चिल्ड्रन में क्या बात हो रही है आई शीट हियर आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग बॉय खड़ा है और उसकी जो फ्रेंड है वो यहाँ पर बैठी है और वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है वो उसको मेजर करना है तो वो क्या कर रहा है वॉकिंग करके जा रहा है पर वो जहाँ खड़ा है वहाँ से डिस्टेंस हमको गिनना है तो वो कितने स्टेप चलेगा तो यहाँ पर उसका फर्स्ट स्टेप हुआ उसके बाद उसका ये पैर वाला है वो थोड़ा इधर रखेगा तो ये सेकेंड स्टेप हुआ उसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेप होगा और उसके बाद यहाँ पर फोर्थ स्टेप होगा तो वैसे यहाँ पर ये चल के जा रहा है तो फोर्थ स्टेप हो रहा है तो ये एक्टिविटी भी आप अपने तरीके से कर सकते हो मेक अ ग्रूप ऑफ थ्री फोर फ्रेंड्स फाइंड आउट बाई ड्राॅइंग लाइन्स हुई स्टेप इज द लॉन्गेस्ट आपके थ्री और फ्रेंड्स मिल के एक्टिविटी करने का बोला है कि थ्री फोर फ्रेंड्स मिल जाओ और बाद में क्या करना है ड्राॅइंग लाइन्स हुई स्टेप इज द लॉन्गेस्ट आप लोग रन करो या तो आप चलो और तीनों साथ में चलते हो तब आपके एक एक पैर का स्टेप रखते जाओ वहां पर आप क्या करोगे ऐसे ड्रॉइंग लाइंस करते जाओ लाइंस को वहां पर एक पैर आपने रखा स्टेप रखा वहां पर आप लाइंस ड्रॉ करो वापस आपने दूसरा पैर आगे रखा तब वो स्टेप जहां पे पड़ा वहां लाइन करो तो ऐसे तीनों फ्रेंड्स का देखो कि किसका कितने स्टेप ज्यादा पड़ रहा है कितना बिगेस्ट स्टेप हो रहा है वो आप ऐसे इसमें देख सकते हो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास अभी तो आप क्लास में नहीं हो बट आप इसे घर पे भी कर सकते हो कि कोई चीज़ है विंडो है आपके घर की वहाँ से आपका मेन डोर है वो कितने स्टेप हो रहा है तो आप स्टेप रख के जाओ और लाइन करते जाओ तो उसका डिस्टेंस आपको पता चलेगा नेक्स्ट है द ब्लैक बोर्ड एंड वे क्लियर सिटिंग आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ से जो ब्लैक बोर्ड कहाँ पर है उसका स्टेप का कितना डिस्टेंस हो रहा है वो भी आप मेजरमेंट कर सकते हो इसकी जगह पे आप घर पे कोई दूसरी चीज आपको अगर लगे कि वो आपके दूर है आप बैठे हो वहाँ से तो उसका भी स्टेप लेकर आप मेजरमेंट कर सकते हो हैंड और फिंगर्स रजत वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ फ्यू थिंग्स यूजिंग हिज हैंड्स पैन दिस आर सो इन द पिक्चर रज्जत है वो अपने हैंड स्पेन यानी ऐसे जो अपना अपना हैंड स्पेन है थम यहाँ पर और लिटल फिंगर ऐसे रख कर ये ऐसे सभी चीजों को लेंथ मेजरमेंट कर रहा है तो अभी वो देखता है कि वो पिक्चर में कैसे मेजरमेंट कर रहा है अपने हैंड स्पेन को ऐसे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे मेजरमेंट पूरा कर रहा है कैन यू यूज़ अ हैंड्सपेन टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस क्या स्पेन से सभी चीज़ें है वो उसकी लेंथ हम मेजरमेंट कर सकते हैं नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पर हम जो बड़ी चीज़ें होती है उसकी लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं बट ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मैच बॉक्स इरेजर शार्पनर तो उससे क्या है कि आपका हैंड्सपेन्ट है आपका हैंड्सपेन है वो बड़ा होता है इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें है उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते तो कौन सी चीज़ें हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं जैसे कि ये बैट तो बैट की लेंथ ज़्यादा होती है इसलिए उसको हैंड स्पेन से कर सकते हैं और टेबल तो टेबल की ये जो लेंथ होती है वो भी ज़्यादा होती है उसको भी हैंड स्पेन से हम कर सकते हैं विच थिंग अराउंड योर आर लेस देन योर हैंड स्पेन नेम देम यहाँ पर आपको पूछा है कि आपके आसपास कोई ऐसी भी चीज़ हो है जो हैंड स्पेन से थोड़ी छोटी है और उसको आप मेज़रमेंट नहीं कर पाते हो होड्सपेंट से तो ऐसी कौन सी चीज़ है उसके नेम लिखो जैसे कि यहाँ पर इरेजर इरेजर है हैंड्सपेंट से थोड़ा छोटा होता है इसलिए उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते मैच बॉक्स है वो भी हैंड हैंड्सपेंट से छोटा होता है इसलिए उसको भी हम नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं व्हाट वुड यू यू यूज़ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस थिंग व्हाट वुड यू यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस थिंग्स तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आप लोग यहाँ पर लेंथ फाइंड कर सकते हो पर कैसे दूसरे तरीके से आप हैंड्स पेंट का यूज नहीं करोगे तो दूसरे कैसे मेजरमेंट कर सकते हो या तो आप स्केल लेकर या तो फिंगर्स कर करते हो इरेजर छोटा होता है तो इरेजर को हम ऐसे स्केल पर रख कर भी मेजरमेंट्स कर सकते हैं या तो फिंगर्स से भी आप कर सकते हो एक्टिविटी मेक अ मड हाउस शी वूज मर्ड हाउस इज हायर यू कैन यूज योर फिंगर्स टू फाइंड हाउ हाई योर मड हाउस इज यहाँ पर एक बॉय और एक गर्ल है वो दोनों मड के हाउस बना रहे थे और मड का हाउस बनाना है जिसका हाउस हायर यानी कि जिसका हाउस थोड़ा बड़ा होगा तो उसका वो मेजरमेंट करेंगे बनाकर फिंगर से, जैसे फिंगर फिंगर रख कर उसको मेजरमेंट करेंगे कि किसका हाउस है वो बड़ा है हायर है. कि है वो मेट द हाइस्ट मड हाउस हम देखेंगे कि किसका हाउस है वो हाइस्ट यानी कि सबसे ऊंचा है बड़ा है वूज मड हाउस इज़ द स्मॉलेस्ट और किसका हाउस है वो स्मॉलेस्ट है तो ऐसे दूसरी एक्टिविटी भी आप कर सकते हो किसका हायर है किसका लोअर है यानी कि स्मॉलेस्ट है वो अपने तरीके से भी आप कर सकते हो बट उसको मेजरमेंट कैसे करना है एंडस पाम से करोगे हैंड्स पेन से करोगे या फिंगर से करोगे वो आपको एक्टिविटी करके देखना है मैक गेस सी देस टू कोकोनट ट्रीज यहाँ पर आपको दो कोकोनट के ट्रीज दिए हैं। इफ़ द बिगर ट्री इज सिक्स मीटर हाई अबाउट हाउ हाई इज द स्मॉलर ट्री यहाँ पर जो बिगेस्ट ट्री है कोकोनट का वो कितने मीटर्स का है हाई सिक्स मीटर्स का है तो जो स्मॉलर है वो कितने मीटर्स का होगा वो हमें यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर जो उसकी हाइट है ये सिक्स मीटर की है तो यहाँ पर उसके आधा है तो ये कितनी होगी थ्री मीटर्स की होगी ये पूरा है वो सिक्स मीटर का है तो उसका आधा ये ट्री है तो उसकी कितनी होगी थ्री मीटर तो स्मोलर ट्री की कितनी हाइट मिलेगी हमें थ्री मीटर योर गेस आप लोग गेस करके अभी इसका आंसर देना है गेस द लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द थिंग सो बिलो फाइंड द लेंथ ऑफ योर आंसर क्या करना है इसमें लेंथ फाइंड करने की है पर किसकी लेंथ फाइंड करने का है हाइट तो हाउ लॉन्ग इज मैडम्स प्लेट मैडम्स प्लेट यानी कि मैडम के जो ये हेयर दिए है इस पिक्चर में उसकी हाइट हमें कितने लॉन्ग है वो हमें मेजरमेंट करने का बोला है गेस करके तो यहाँ से यहाँ से लेकर यहां तक उसके हेयर है तो इसके हेयर की जो ये प्लेट यानी कि ये बाल उसके लॉन्ग कितने हैं वो हम मेजरमेंट करेंगे तो आप गेस करके आपको बना रहे है तो उसको कैसे मेजरमेंट आप कर सकते हो है? हैंड स्पेन से मेजरमेंट करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसके जो हेयर है वो कितने लंबे है उसके बाद यहाँ पर आपको एक टेबल दिया है नेम ऑफ द थिंग्स माय गेस एंड माय रिजल्ट आपको कितनी सारी चीजें के नेम दिए हैं और उसका मेजरमेंट आपको गेस करके यानी कि कुछ आपको अंदाज लगा के बताना है और उसके बाद आपको रिजल्ट यानी कि परफेक्ट भी आंसर देना है कि. तो पहले आपको ग्लास दिया है तो उस ग्लास का आप करोगे पहले फिंगर से उसका मेजरमेंट करोगे कि कितने फिंगर से ऐसे ऐसे टू से का ग्लास है या थ्री फिंगर्स का ग्लास है या तो ऐसे आप इसमें मेजरमेंट कर पाते हो तो आपको मान लो एक ग्लास है वो ग्लास आपका फोर फिंगर्स का हुआ है और उसके बाद आपको अंदाज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो ग्लास होगा वो फोर फिंगर्स का होगा तो उसके बाद आपको उसको एक्टिविटी करके देखो कि एक ग्लास है तो ग्लास पे ऐसे फिंगर्स रख के देखो कि वो कितने का है अगर मान लो फोर फिंगर्स का होता है तो वो भी लिख डालो अगर सिक्स फिंगर्स का होता है तो वो भी लिख सकते हो तो ऐसे कितनी सारी चीजें आपको नीचे दी है और वो आपको करने का यहाँ पे नीचे दिए आपको बकेट तो बकेट है तो बकेट हैंड स्पेंट से आप कर सकते हो कि कितने हैंड स्पेंट ये बकेट है उसकी लेंथ आपको मेजरमेंट करके वो यहाँ पर पहले अंदाज लगा कर लिखना है उसके बाद परफेक्ट आपको मेजरमेंट करके लिखना है तो ऐसे कितनी सारी चीज़ें आपको इसमें दी है वो आप एक्टिविटी करके भी इसमें लिख सकते हो अपने तरीके से केट्स फूड रेट और मिल्क यहाँ पर एक केट दी है एक रेट है एक मिल्क का कटोरा रखा है और यहाँ पर एक हाउस है तो यहाँ पर उसके पिक्चर में से कुछ हमें कुछ आंसर देने हैं तो क्या यूज योर फिंगर टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन द रेट एंड द मिल्क ब्लैंक्स फिंगर तो आपको क्या करने का है यहाँ पर कि डिस्टेंस मेजरमेंट करना है पर किसका कि यहाँ पर मान लो रेट है उस रेट है वहाँ से लेकर मिल्क जो पड़ा है उसका फिंगर से आपको डिस्टेंस मेजरमेंट करना है मान लो यहाँ पर ये यह रेट पड़ा है और यहाँ पर ये यह मिल्क है तो यहाँ पर एक फिंगर्स हुई और ये दूसरी फिंगर्स होती है यहाँ पर ऐसे तो कितना डिस्टेंस हुआ वो दोनों के बीच का यहाँ पर मेरा तो मेरी फिंगर्स बड़ी है इसलिए मेरा तो एक ही एक ही फिंगर का डिस्टेंस हुआ तो आप अपनी फिंगर्स रखकर देख सकते हो ऐसे कि कितना डिस्टेंस है वो आप लोग यहाँ पर लिखोगे तो मेरा तो एक हुआ एक फिंगर्स तो मैं एक फिंगर्स लिखूंगी बट आपका जितना हो वो उतना आप यहाँ पर लिखना हाउ फार इज कैट फ्रॉम द रेट ब्लैंक्स फिंगर यहाँ पर कैट है और यहाँ पर रेट है तो वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा फिंगर्स का वो देखना है तो मान लो यहाँ पर ऐसे मैंने एक फिंगर्स रखी यहाँ पर दूसरा वापस आ जाती है तो यहाँ पर कितनी फिंगर्स आपने रखी ऐसे एक दो तीन चार ऐसे कितनी फिंगर्स आपकी होती है वो मेजरमेंट करके भी आप यहाँ पर लिख सकते हो उसके बाद हाउ फार इज द केट फ्रॉम द मिल्क अभी केट यहाँ पर है और मिल्क यहाँ पर है तो यहाँ पर केट है और यहाँ पर मिल्क है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजरमेंट है यहां से एक दो तीन चार में फिंगर्स रखो और कितना डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर लिखना है व्हाट विल द केट रीच फर्स्ट द केट और द मिल्क यहाँ पर केट है वो केट यहाँ पर पहले रेट के पास पहुँचती है तो या मिल्क के पास पहुँचेगी वो हमें देखना है तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना फिंगर्स का होता है और इसका डिस्टेंस कितने फिंगर्स का होता है वो हमें देखना है तो ये जो रेट का है और कैट है तो उस दोनों का डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बट यहाँ रेट केट है वहाँ से लेकर मिल्क का डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है तो केट पहले किसके पास पहुँचती है जल्दी से यहाँ पर मिल्क के पास पहुँचेगी कैन द रेट से विट सेल्फ नाव यहाँ पर रेट है तो रेट उसको खुद को बचाने के लिए वो कहाँ पर भागेगा केट से वो यहाँ पर क्या हाँ पे छुप सकता है वो यहाँ पर घर पे जाकर छुप जाएगा तो वो खुद से यहाँ पर बचा लेगा खुद को और केट से भी बच जाएगा टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर ये स्टोरी जो आपको ये पिक्चर है वो पिक्चर को हम स्टोरी भी बना सकते हैं ऐसे और बता भी सकते हैं हाउ लॉन्ग इज द रेड स्टेल यहाँ पर रेड डी है तो उसकी टेल है उसको हम मेजरमेंट करना है तो कितनी लॉन्ग है तो उसको हम ऐसे फिंगर्स रख के भी कर सकते हैं वन टू थ्री फिंगर फोर फिंगर कितनी फिंगर्स की है वो आप मेज़रमेंट करके यहाँ पर लिख सकते हो वो हैज़ लॉन्गर द केट यहाँ पर देखना है कि रेट के जो ये विस्कर्स बड़े हैं या केट के बड़े हैं तो रेट से केट के से वो बड़े हैं तो किसके बड़े हैं केट के मेजर एंड ड्रो यहाँ पर कुछ मेजरमेंट करके पिक्चर में आपको ड्रॉ करने का है ड्रो अ लीफ टू फिंगर्स अवे फ्रॉम द स्टोन यहाँ पर एक पत्थर दिया है वो पत्थर से आपको टू फिंगर्स दूरी पर आपको क्या ड्रॉ करना है एक करना है, है, तो यहां पर ये पत्थर यहां पर मैंने टू फिंगर्स रखी पर रख पर मैं एक leaf यहां पर मैंने देखो ये किया है two fingers रखी है, मैंने देख लो अभी भी ये हो गया टू फिंगर्स पर सेकेंड ड्रॉ अ बनाना फाइव मैथ स्टिक अवे फ्रॉम द मंकी बनाना ड्रॉ करना है फाइव स्टिक से यहाँ पर किसे यहाँ से मंकी से मंकी से यहाँ पर फाइव मैथ स्टिक हम दूर रखेंगे तो आपके घर पे ऐसे मैथ स्टिक होती है ना वो ऐसे यहाँ पर रखना है वन टू थ्री फोर और फाइव ऐसे फाइव अलग अलग स्टिक यहाँ पर ऐसे अरेंज करके आपको क्या ड्रॉ करना है बनाना तो मैंने यहाँ पर मान लो बनाना ड्रॉ किया है यहाँ पर बनाना ड्रॉ कर डाला उसके बाद ड्रॉ अ काइट सेवन फिंगर अवे फ्रॉम द स्टोन एक काइट ड्रॉ करनी है सेवन फिंगर स्टोन से स्टोन आपका इधर है यहाँ पर आपको यहाँ से सेवन फिंगर्स दूर करना है ड्रॉ काइट तो यहाँ पर मेरी फर्स्ट फिंगर ये सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ बाद में फोर्थ तक हुई वापिस यहाँ पर फिफ्थ वन सिक्स वन और सेवन वन ऐसे रख कर आप लोग यहाँ पर ऐसे काइट ड्रॉ कर सकते हो जैसे सेवन फिंगर्स की दूरी पर रख के काइट ड्रॉ करेंगे ड्रॉ अ क्लाउड थ्री स्टिक्स अवे फ्रॉम द काइट। काइट से पर काइट से हम थ्री मैथ स्टिक ऐसे रखकर वन टू और थ्री स्टिक ऐसे दूरी पर रखकर क्या हम ड्रॉ करेंगे क्लाउड ड्रॉ करेंगे उसके बाद ड्रॉ अ बर्ड फोर फिंगर्स अवे फ्रॉम द बनाना बनाना से फोर फिंगर्स की दूरी पर कर क्या ड्रॉ करने का बोला है बर्ड्स वन टू थ्री और फोर फिंगर्स यानी कि यहाँ पर एक बर्ड ड्रॉ कर डालो आप लोग ऐसे एक बर्ड ड्रॉ कर डाला है ड्रॉ योर सेल्फ एनी वेर ऑन द पेज फाइंड हाउ फार यू आर फ्रॉम द मंकीज नोज आपको यहाँ पर ऐसा बोला है इस पेज में कि आपको फाइंड करना है कि मंकीज का जो ये नोज है यहाँ से लेकर योर सेल्फ आपको खुद को ड्रॉ करना है आपको खुद को पर कैसे मंकी से, से नोज से कितना ड्रो करना है आपको फ्रॉम द फाइंड आउट हाउ आप लोग मान लो यहाँ पर खड़े हो यहाँ पर खड़ा है और मंकीज का नोज इधर है तो वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हुआ वो हम मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर कितने होगा ये वन फिगर ये टू फिगर और ये थ्री फिगर्स तो कितना हुआ थ्री तो मैं यहाँ पर लिखूंगी थ्री बट आप जितना हो उतना आप यहाँ पर लिखना इज दैट सो संजू एंड हर फ्रेंड्स ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स संजू है वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ डिफरेंट बॉडी पार्ट से उसकी लेंथ को फाइंड आउट कर रहा है हियर इज वॉट दे फाइंड आउट उसको कुछ पता चला है कुछ उसने फाइंड आउट किया है बट क्या माई फेस इज अबाउट वन हैंड स्पैन लॉन्ग ये बोल रहे हैं कि उसका जो फेस है वो ऐसे वन हैंड्सपेंट का इतना जितना लॉन्ग है माई आर्म इज नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग उसका जो ये आम का पार्ट है वो उसके लेग के पार्ट जितना लॉन्ग नहीं है ये आम का पार्ट होता है वो थोड़ा कम होता है और लेग है उसका पार्ट जो उसकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी बड़ी होती है यहाँ पर एक जो माय फोर हैड इज़ अबाउट फोर फिंगर्स वाइड उसका जो ये फोर हैड है वो फोर फिंगर्स जितना वाइड इसे मेजर डू यू एग्री विथ वॉट दे सेड कि लिखेंगे कि हम एग्री है यस इस सभी के साथ चेक यू हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स है अभी आपके फ्रेंड्स के अभी बॉडी पार्ट्स को मेजरमेंट करके कुछ लिखने का बोला है अ फेस वन हैंड पैंट लॉन्ग कि उसका फेस है वो हैंड्स वन हैंड्स पैंट है वो उतना जितना लॉन्ग है तो ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हम लिखेगी क्यों क्योंकि शायद सभी के फेस है वो हैंड्स पेंट जितने वन हैंड्स पेंट से जितने लॉन्ग होते ही है द आर्म एज लॉन्ग एज द लेग उसका आर्म का जो पार्ट है वो वहाँ से लेग के पार्ट होता है उतने जितना वो सेम होता है उसकी लेंथ नो no. क्योंकि आर्म का पार्ट होता है वो कम होता है लेग से इसलिए यहाँ पर आपको फ्रेंड्स के आर्म का और लेग का पार्ट है वो मेजरमेंट करके आपको यहाँ पर लिखना है द फोर हैड फोर फिंगर्स वाइड अभी फोर हैड है वो फोर फिंगर्स जितना वाइड है वो उसको मेजरमेंट करके भी आपको लिखना है यू कैन ट्राई द मेजर ऑदर बॉडी पार्ट विथ योर फिंगर एंड राइट देअर लेंथ आपको ऐसे दूसरे बॉडी पार्ट भी ऐसे फिंगर से या तो हैंड्सपेन से इसकी लेंथ मेजरमेंट करके आप कर सकते हो यानी कि यहाँ पर फिंगर से करने का बोला है तो फर्स्ट वन योर नोज इज ब्लैंक फिंगर्स लॉन्ग आपका जो नोज है वो कितने फिंगर्स जितना लॉन्ग है वो आपको यहाँ पर लिखना है तो शायद सभी का वन फिंगर्स तो होता ही है योर ईयर्स इज ब्लैंक्स फिंगर्स लॉन्ग आपके जो ईयर है वो कितने फिंगर्स के लॉन्ग होते हैं तो वो आप खुद भी मेजरमेंट करके वो यहाँ पर लिख सकते हो थैंक यू